नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। चुनाव नजदीक आ चुके हैं और यूपी में अब इस तरह से घमासान जैसा मचा है कि जोर तोड़ की राजनीति शुरू हो रही है। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 125 नामों की घोषणा कर दी है। और खास बात यह रही है कि 125 नामों में 50 महिलाओं को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव की पूरी बागडोर कांग्रेस ने अब प्रियंका गांधी, जो महासचिव है कांग्रेस की, उनके हाथ में दे दी है। और प्रियंका ने जिस तरीके से शुरू से इस बात का प्रचार भी किया है कि नारी हूं, लड़ सकती हूं। आप कहीं भी जाइए, आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई देंगे जहां पर लिखा होगा नारी हूं, लड़ सकती हूं, अपना हक लेना जानती हूं। तो इसके तहत एक मैसेज आप समझिए कि इन पोस्टर्स के पीछे आखिर प्रियंका ने मैसेज क्या दिया है। देखिए, चुनाव का वक्त है, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है और यूपी में जहां पे बहुत सारी जातियां हैं, अगड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी का एक अलग वोट बैंक है, एससी एसटी का एक अलग वोट बैंक है, तो सब नेताओं का कुछ ना कुछ टारगेट होता है कि कौन किस टारगेट को हिट कर रहा है और किसकी कोशिश किन टारगेट पे है। तो अब ऐसे में ही प्रियंका गांधी की एक टारगेट है कि उन्हें महिलाओं पर टारगेट किया है इस चुनाव में। इस चुनाव में प्रियंका गांधी ने जितना भी प्रचार किया है अपना, वो सब महिलाओं के बीच में जाकर, महिलाओं के घरों में जाकर, उनके साथ खाना खाकर, खेतों में काम करने वाली महिलाओं के बीच जाकर इस तरीके से प्रचार किया है कि वो महिलाओं के लिए आगे बहुत सारे काम करने वाली हैं। हालांकि मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस के ये बातें कही गई हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी यूपी में तो हम महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे काम करेंगे। तो अब उसकी जो झलक है, जो कांग्रेस की एक सोच है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में, कि किस तरीके से वो महिलाओं के हक में जा रही है और उसका असर दिखा है इस सीटों के बंटवारे में भी। 125 सीटों की घोषणा की गई है और 125 में से 50 महिलाएं हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक साथ इतनी महिलाओं को मौका दिया गया है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हुई है। हालांकि अब ये कोशिश कितनी कारगर साबित होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन एक और बात यहाँ पे ये आती है कि अभी सिर्फ महज पहली लिस्ट जारी हुई है जिसमें 125 नामों की घोषणा है। अभी और भी दो या तीन लिस्ट आ सकती हैं। अब देखना और भी दिलचस्प होगा कि आखिर किस किस महिला को मौका दिया जाएगा। कुछ चुनिंदा नामों की अगर हम बात करें तो सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को भी इस बार टिकट दिया गया है। वो भी कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा उन्नाव रेप पीड़िता की माँ को भी टिकट दिया गया है, जो कि एक बहुत चर्चित एक कांड रहा है यूपी में, जिसने कह सकते हैं कि यूपी की राजनीति में एक बहुत खलबली मचा दी थी उन्नाव रेप कांड। और उसमें उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट देना कांग्रेस ने बड़े वोट बैंक पे निशाना साधने की कोशिश की है। अब ये कोशिश कितना रंग लाएगी ये शायद चुनाव के नतीजों में हम जान पाएंगे। लेकिन महिलाओं को टारगेट है ये पहले लिस्ट। अब देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण का जो मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है, प्रियंका गांधी ने इसे जोर शोर से उठाया है, अब ये मुद्दा चुनाव में उसे कितना माइलेज दे पाएगा ये हम सब चुनाव के बाद देख पाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि 10 मार्च के बाद हमें इस बात का पता चल पाएगा। तो दोस्तों, वक्त बहुत कम है और चुनाव बहुत नजदीक है। अभी क्या कुछ होता है, किस तरीके से पार्टियां और क्या कुछ करती हैं, ये तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप भी लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।